क्या आप भी हमारी तरह बिना पैसे दिए सामान खरीदना चाहते हैं? हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। आपसे कह रहा हूँ, इधर उधर क्या दिख रहा है, वीडियो को देखिए। और अगर सुनना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करिए, लाइक भी जरूर करना, और अंत तक देखेंगे तो तभी तो इनाम पाएंगे। इनाम पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा विषय क्या है, किस प्रकाश डाले विषय पर, किस पे क्रेडिट कार्ड? अच्छा, तो ठीक है। अच्छा, आपने बहुत अच्छा लोगों के कल्याणकारी कल्याण के लिए बहुत अच्छा विषय आपने चुना है, क्रेडिट कार्ड का। क्रेडिट कार्ड के बहुत सारे फायदे होते हैं, बहुत लाभ है, बहुत लाभ है। ये पैसों की बहुत बचत करता है, बचत भी करता है, हमें पैसे देता भी है क्रेडिट कार्ड। और सबसे 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 अच्छी बात क्या है कि हम जो भी खरीदते हैं हमें पैसे नहीं देने, पैसे लेके जाने नहीं। हाँ ना, सबसे पहले ना हम यही बात करते रहते, मान लो हमें कोई सामान खरीदना है ऑनलाइन, तो चलो अच्छा है, ऑनलाइन तो आप या तो घर पे आके पेमेंट कर सकते हो, कैश ऑन डिलीवरी कहते हैं जिसे, सीओडी, कैश ऑन डिलीवरी करते हो तो नुकसान ही एक तरह से। लेकिन जो नॉर्मली जो क्रेडिट कार्ड नहीं यूज करते, जो क्रेडिट कार्ड नहीं यूज करते वो कैसे करते हैं, वो कैश ऑन डिलीवरी करेंगे। लेकिन आप क्रेडिट कार्ड से ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो, ऑनलाइन कर सकते हो ना। अब ऑनलाइन करेंगे तो क्या फायदा है, सबसे पहले कैशबैक, रुपए वापस हो जाते हैं आपके, बच जाते हैं। हाँ, 1% तो कम से कम हर ज्यादातर क्रेडिट कार्ड देते ही है ना, 1%, कुछ तो 2% देते हैं, 1.5% ऐसे ना क्रेडिट कार्ड, तो मतलब कैशबैक तो आता ही आता है, पैसे की बचत होती होती है। ये तो एक फायदा हो गया बहुत बड़ा क्रेडिट कार्ड का। दूसरा फायदा क्या होता है कि हमने कोई भी ऑनलाइन या ऑफलाइन परचेज करी, ऑफलाइन में क्या होता है कि हम दुकान जाके परचेज करते हैं, भाई ऑनलाइन या ऑफलाइन करी, 1% कैशबैक भी आया। हाँ, तो भी बहुत है। जैसे मान लो हमने एक उदाहरण लेते हैं, हमने दुकान से 5,000 की परचेज करी। हाँ, 5,000 की 1% कितना हुआ, मान लो 1% ही मिला, 5,000 का कितना हो गया, 50 रुपए तो हो गया, 50 रुपए हो गए ना भाई। हमने 5,000 की खरीदारी करी दुकान से या ऑनलाइन कहीं पे भी, हमें 50 रुपए तो वापस मिल गए, हमें पैसे भी नहीं लेके जाने पड़े, है ना। क्योंकि देखो सबसे पहली बात क्या है, हम अगर कहीं पे भी पैसे लेके जाते हैं, किसी दुकान पे अगर हम परचेज कर रहे हैं, दुकान पे खरीदारी करने जा रहे हैं, हमने पैसे लेके गए हैं, मान लो मैं पैसे दे रहा हूं, मैंने पैसे निकाले और पैसे दिए, कुछ मेरे पैसे गिर गए तो मेरे नुकसान में खो गए। हाँ, खो गए, मैं तो गए, मैं तो नुकसान हो गया ना। अगर मान लो मेरा वॉलेट कहता ना, मेरे पैसे जेब में से चोरी हो गए, फिर वो भी मेरा नुकसान है। हाँ, बिल्कुल नुकसान, सामान भी नहीं खरीद पाऊंगा। मैं पैसे देने गया मान लो दुकान पे, तो देखा है जेब में तो पैसे ही नहीं है, चोरी हो गए, तो फिर वो तो नुकसान है ना। अब क्रेडिट कार्ड है तो हमें पैसे भी साथ रखने की जरूरत नहीं है, तो फायदा है ना। और अगर आपका क्रेडिट कार्ड चोरी हो जाए तो, हाँ, अगर क्रेडिट कार्ड गिर जाए, क्रेडिट कार्ड चोरी हो जाए, तो हमें उसकी कोई डर चिंता नहीं है। क्यों? क्योंकि हर क्रेडिट कार्ड पे इंश्योरेंस होता है कि अगर आपने तो दिल किया ना परचेज, तो उसके लिए इंश्योरेंस होता है। अगर आपको गिर जाता है, आप ब्लॉक कर दो उसका, आपको कंप्लेंट कर दिया, बस पेमेंट उसकी का आपको कभी पेमेंट करनी नहीं है, वो पैसा आपको कभी भरना ही नहीं क्रेडिट कार्ड में, क्योंकि आपने तो परचेज किया ही नहीं, आपने कुछ खरीदा ही नहीं, वो तो आपका चोरी हो गया। अगर कोई खरीद भी लेता उससे, चोरी करने वाला या गिर के जो भी उठाने वाला, तो आपको तो पैसे कभी भरने ही नहीं होते, क्योंकि लेकिन अगर पैसे गिर गए तो नुकसान हो गया, लेकिन क्रेडिट कार्ड गिरने पर खोने पर भी नुकसान नहीं होता है। लोगों को नहीं पता होता इसके बारे में, ये सबसे बड़ा फायदा है। और क्रेडिट कार्ड में आपको पता है, जैसे कि आप खरीदते हो ऑनलाइन,
तो आपको डिस्काउंट मिलता है? हाँ मिलता है। कितना परसेंट मिल जाता है, कितना प्रतिशत? अब उदाहरण में मैं अगर मैं बिग बास्केट की लूं, मुझे 20% मिल जाता है। 20%? हाँ 20% तो बिग बास्केट का क्या है, खाली बिग बास्केट होता है। वैसे तो 5-10 तो हाँ मिल जाते हैं, जैसे अमेज़न में मिल जाता है, अमेज़न फ्लिपकार्ट में 5 बहुत ऑफर्स आते हैं, बहुत सारे आते हैं, बहुत पैसों की बचत पड़ जाती है। और क्रेडिट कार्ड का सबसे बड़ा फायदा, 50 दिन तक हम महीना लगा के चले भाई, महीने बर्बाद पैसे दे रहे हैं, महीने बर्बाद। मान लो हमने पहले दिया था 5,000 का उदाहरण, हाँ दोबारा से 5,000 ही लेते हैं। अगर हमने 5,000 की खरीदारी ऑनलाइन या ऑफलाइन ऑनलाइन करी, एक तो हम डिस्काउंट होता ना, पैसे बचत होते हैं। अगर हमारे मान लो 5% या 10% भी बचे, मान लो 10 लगा लिए, 5,000 के कितने हो गए, 500 रुपये, सिर्फ 500 रुपये तो बच गया। हमने कितने क्रेडिट कार्ड से पे करे, कितने क्रेडिट कार्ड से भरे, 4,500, 5,000 के 4,500 में भरे, तो हमारा फायदा नुकसान है? बहुत फायदा है, 500 रुपया बच गए। और दूसरा क्या, क्रेडिट कार्ड का बिल आएगा ना, एक वैसे तो 50 दिन का समय होता है, लेकिन एक महीने बाद है ना, हाँ तो एक महीने तक 4,500 वो अकाउंट में भी रहे। एक तो हमने 5,000 के 4,500 भरे, और 4,500 भी जेब से नहीं गए, वो तो क्रेडिट कार्ड से गए। अब 50 दिन बाद देने हैं, क्रेडिट कार्ड में भरने हैं बैंक को, तो मैं 50 दिन का ब्याज। अब कुछ बैंक देते हैं 2%, कुछ 3%, कुछ 5%, 7% भी देने वाले हैं। कुछ लोग तो इन्वेस्ट कर सकते हैं, कहीं पे जमा कर दिया भाई, अच्छे अच्छे रिटर्न्स होते हैं, अच्छे अच्छे पैसे ब्याज मिलता है, जैसे 12% मिलता है मोबीक्विक में। अगर आप हमारे लिंक से मोबीक्विक एक्स्ट्रा को के साथ जुड़ते हैं, मोबीक्विक एक्स्ट्रा के साथ, तो आपको 12% मिलेगा ब्याज, है ना। तो आप वो पैसा वहां लगा रख दो, तो आपको 12% रोज का मिलेगा। आप जब भी रुपया वापस कहीं पे भी डालोगे, अपने बैंक खाते में लोगे, 12% के साथ मिलेगा आपको ब्याज के साथ रुपया, है ना। तो आप वैसे भी कमा सकते हो। ये तो चलो वो भी क्योंकि एक्स्ट्रा की तो बात अलग थी, एक तरह से ऐड भी हो सकता है, ऐड हो गया। लेकिन क्रेडिट कार्ड का फायदा आपका देखो, 500 रुपये बच गए, हमने 5,000 की बात करी, 500 रुपया बच गया। अगर हम उसको थोड़ा संक्षिप्त में बोले, 5,000 एक तो डिस्काउंट होने की वजह से हमारे 500 रुपये बच गए, तो 5,000 के हमने दिए भरे कितने, 4,500। 4,500 में ब्याज लग गया, आपको ब्याज भी मिलेगा उसका 4,500 का, और आपको 4,500 पे 1% तो वापिस कम से कम मिलेगा ही ना, कम से कम, क्योंकि कम से कम 1% तो मिलता ही है। हम आपको ऐसे ऐसे कार्ड देंगे, 2-2% मिलता है, 5-5 में मिलता है, हम ऐसे ऐसे देंगे, हमारे पास बहुत फायदे हैं। अगर आप ऑनलाइन ऑफलाइन परचेज छोड़ो, आप दुकान से खरीदारी छोड़ो, ऑनलाइन या ऑफलाइन दुकान, क्योंकि क्रेडिट कार्ड पे आती है ना, दुकानों में भी तो आता है डिस्काउंट होगा स्पेशल। जैसे हमने एसी लिया था, ऑफर था डिस्काउंट का, और 1% वहां पर भी तो ऑफ हो जाएगा जब बंदा बिल पेमेंट करेगा। एक प्रतिशत तो वापस मिलता है, वो तो भी क्रेडिट कार्ड के अंदर ही मिलता है ना। मतलब बिल 4,500 में आपको अगर 1% मिल रहा है, वो हुआ 45 रुपए, 45 हो रहा 45, तो 45 रुपए बिल में ही कट जाएंगे, बिल में कम हो जाएंगे, और आपको उतने रुपए भरने हैं, आपको 4,500 भी नहीं भरने, क्योंकि 1% तो आपका कैशबैक था, तो कैशबैक तो कटेगा, उसी हिसाब से तो बनेगा ना बिल, तो फायदा तो आपको ज्यादा हो रहा है ना, बहुत ज्यादा। कौन ही क्रेडिट कार्ड बनवाना चाहेगा, कोई बनवाना चाहे। अब इससे क्या होता है क्रेडिट कार्ड से और फायदा, आप ऑनलाइन ऑफलाइन ईएमआई में भी कर सकते हैं। हाँ, ईएमआई वैसे तो क्रेडिट कार्ड से आपको पता है ना, दुकान पे जाके आपने किया ना, हमने एसी परचेज किया था, एसी में दुकान पे भी तो हमें डिस्काउंट हो गया था। हाँ हुआ था। और ईएमआई में बहुत फायदा होता है, आप जैसे जैसे कमा रहे हैं, आप अपनी कमाई में से बचा के एक उदाहरण के साथ बताता है। मान लो आपने 50,000 का कोई
कोई एक अच्छा एग्जांपल लेते हैं, आपने 50,000 का मोबाइल लिया, चलो हाँ मान लो आपने कोई 50,000 का मोबाइल लेना था, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, लेना था है ना, आपको लेना था सर, ठीक है। तो अब डिस्काउंट तो छोड़ो, डिस्काउंट कैशबैक की बात नहीं करते, अभी करते हैं भाई आपके पास 50,000 तो है नहीं, आप कैसे खरीदोगे, आपकी इनकम मंथली तनख्वाह है 45,000, हाँ आपकी 45,000 है, मान लो 20,000 है तनख्वाह, 25,000 है क्योंकि आपने थोड़ा उदाहरण ऐसा लिया ना कम रुपए का, चलो आपकी 20,000 तनख्वाह है, आपको अपने लिए भी तो चाहिए खाने पीने के लिए, अपना महीना चलाने के लिए है ना, महीना चलाने के लिए आपको चाहिए तनख्वाह चाहिए ना, तो आप उसको छोड़ के भी आप नहीं खरीद पाओगे, अगर आपका तनख्वाह से मोबाइल नहीं खरीद सकते, लेकिन ईएमआई से या नो कॉस्ट ईएमआई से आपका नो कॉस्ट ईएमआई ज्यादा फायदेमंद होते हैं, तो मैं नो कॉस्ट ईएमआई की ही बात करूंगा। नो कॉस्ट ईएमआई से आपने मान लो 50,000 का खरीदना है मोबाइल, तो कितने भरना है, 5,000 हर महीने, 12 महीने में जो 5-4,000 भर जाएंगे, हाँ अगर आप 5,000 नो कॉस्ट ईएमआई में ये होता है कि आपने 50,000 अगर 50,000 का मोबाइल लिया तो 50,000 ही भरने ना बैंक को, तो 50,000 से ज्यादा तो नहीं भरने, वो तो ठीक है। अब 12 मंथ की नो कॉस्ट ईएमआई कर सकते हो, 24 की भी तो होती है नो कॉस्ट ईएमआई, कुछ बैंक होती है मैं तो भूल ही गया था, 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने, 12 महीने, 24 महीने, अब नो कॉस्ट ईएमआई से उतने महीने बैंक खाते में आपके पैसा पड़ा तो इंटरेस्ट नहीं मिल रहा, आपको ब्याज नहीं मिल रहा उसका, तो ब्याज तो आपके रुपए तो बहुत ज्यादा बच रहे हैं, ब्याज अगर 12% है, 1% है, 2% जितने मर्जी लगा लो यार, हम तो 12-12% ले लेते ब्याज ना, तो वो आपके ऊपर है, तो फायदा ही फायदा है। अब देखो क्रेडिट कार्ड तो बहुत ज्यादा फायदेमंद है, आप कहीं पे भी पैसे नहीं लेके जा, पैसे की जरूरत नहीं है ना लेके जाने, लेकिन कुछ लोगों को क्या होता है क्रेडिट कार्ड मिल जाता है ना, कुछ लोग क्या सोचते हैं कि 15,000 खर्च कर सकते हैं, तो खर्च करने जो भी लिमिट है मान लो लिमिट मिल गई 50,000, हाँ 50,000 तो 50,000 हर महीने खर्च करने, हाँ वो खर्च कर देते हैं, सही बोले वो 15,000 वो 50,000 खर्च कर देंगे, जबकि उनकी अगर तनख्वाह चाहे 20,000 है चाहे 25,000 है कुछ भी है ना, हाँ। वो गलत है, ये वो गलत सोच है कि अगर आपको वो लिमिट मिलती है उसका मतलब ये नहीं है कि आप उतने खर्च करो, भाई ये देखो ना जितनी पैर है उतनी तो फसारोगे और क्या, अरे भाई जितनी आपकी तनख्वाह है आपके पास अगर तनख्वाह 25,000 है, 25,000 की कही थी ना उदाहरण में, तो भाई 25,000 तो खर्च कर सकते हो, उसी को आप देखोगे ना कहाँ कहाँ खर्च करना है, बस क्रेडिट कार्ड से तो आप अपना क्या थोड़ा बचा रहे हो, उसमें से ज्यादा बचा रहे हो, तो आप बचा रहे हो ना, तो बचाओ ना, क्यों नहीं बचा रहे हो आप, बचाओ। अब क्रेडिट कार्ड से अब क्या होता है, क्रेडिट कार्ड हमें सिबिल स्कोर मतलब ऐसे सिबिल स्कोर एक्सपीरियंस क्रेडिट स्कोर, ये क्रेडिट स्कोर ये अलग अलग क्रेडिट स्कोर्स होते हैं, हाँ ये अपने अपने होते हैं, इसके ये भी बढ़ता है हमारा क्रेडिट स्कोर अगर हम क्रेडिट कार्ड से परचेजेस करते हैं, और इसका सबसे बड़ा फायदा अगर आपको जरूरतमंद में आपको लोन लेना पड़ा तो आपको आप ले सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, हाँ क्योंकि जितना अच्छा क्रेडिट स्कोर होता है उतने कम ब्याज पर लोन मिलता है, हाँ तो ये भी फायदा होता है, बहुत ज्यादा फायदा है इस चीज का, तो क्योंकि वैसे तो जरूरत ना पड़े लेकिन कभी जरूरत पड़े तो, हाँ लेकिन वैसे एक बात बताओ क्रेडिट कार्ड से हम कैश भी निकाल सकते हैं, उसकी भी होती है जैसे 50,000 लिमिट है तो उसमें से 4-5,000 या ऐसा कुछ होगा डिवाइडेड बाय 10 गुना घटा के ऐसी कुछ होती है कैश लिमिट सबके लगाती है, आप क्रेडिट कार्ड से निकाल सकते हो है ना पैसे जरूरतमंद है, लेकिन उसे मैं क्यों नहीं लेना चाहता अब हमारे उसमें गिनती में, क्योंकि उसमें ज्यादा फायदा नहीं होता, आजकल तो वो आता है क्रेडिट कार्ड टू क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट, आप एक क्रेडिट कार्ड से दूसरे क्रेडिट कार्ड की बिल पेमेंट कर सकते हो, बट लेकिन आपको पता है वो फायदेमंद नहीं है, लोग बेवकूफ बढ़ाते हैं कि 90 दिन तक बिल भर गया उसमें फिर पैसा कुछ ना कुछ लगता है, नुकसान होता है, हाँ वो कहते हैं कोई नुकसान नहीं होगा, SBI सबसे बड़ा कहता है
पकड़ता है। मैं तो ये कहूंगा सबसे बढ़िया लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड बनवाओ, है ना। हाँ, क्योंकि कोई एनुअल चार्ज खर्चा नहीं, सालाना कोई खर्चा नहीं दे रहा आपको। नहीं तो क्रेडिट कार्ड कुछ होते हैं ना अपने खर्चे लेते हैं। अब देखो लोगों की जरूरत के हिसाब से होता है क्रेडिट कार्ड तो, है ना, लोगों की जरूरत के हिसाब से होता है क्रेडिट कार्ड। अब जैसे हमने एयरटेल का एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड बनाया था अपना, फायदा ना, बहुत फायदा। आप बिजली का बिल, बिजली तो सभी इस्तेमाल करते हैं, पानी तो सभी यूज करते हैं, और उसपे इस्तेमाल करते कितना ऑफ हो जाता है, 10% कैशबैक मिलता है। मतलब हमने अभी बालों वाला बिजली का बिल था 15,000, तो 10% अगले महीने हमारे क्रेडिट कार्ड बिल में कम होके आ गया। अगले महीने इस महीने में बता देता है कि आपने इतने की बिल पेमेंट करी थी आपने, तो कितना आपने, मतलब आपने बिजली का बिल 90% भरा 100 में से, आपके 10% तो बच गए। लेकिन बैंक खाते में ब्याज उसको कौन लेगा। हाँ तो लिटरली, हाँ तो बचा, बहुत फायदा है क्रेडिट कार्ड का। आप ऐसे करके बहुत पैसा बचा सकते हैं। नहीं, एक तो आप बचा सकते हो, आप देखो अब क्रेडिट कार्ड है उसका बिल जनरेट होता है, बिल आता है ना, बिल आता हर महीने, हर 50 दिन बाद देना होता है ना पैसा, तो उससे क्रेडिट स्कोर तो बढ़ता ही बढ़ता है। लेकिन आपको पता लग जाता है कि आपके खर्चे कैसे हो रहे हैं, कितने हो रहे हैं, आपके पास रिटर्न लिखित में होता है सब। हाँ, लिखित में आप कितने खर्चे करें, हाँ है ना, कितने खर्चे करें सब खर्चा बचा सकते हैं। आजकल तो रुपए क्रेडिट कार्ड भारत का अपना है ना, वो तो भारत का बहुत अच्छा है, उसके भी फायदे बहुत ज्यादा फायदे हैं वो, क्योंकि पहले ये सब भी होता था कि छोटे मोटे दुकानदार क्रेडिट कार्ड से नहीं लेते थे रकम, वो कहते थे कि क्रेडिट कार्ड पे हमें देना पड़ जाएगा, उस रुपए वाले पे छोटी मोटी पेमेंट पे कुछ नहीं देना पड़ता उन्हें, तो सभी क्रेडिट कार्ड पेमेंट लेते हैं रुपए वाले, और रुपए में यूपीआई भी चलता है भारत का अपना यूपीआई। हाँ, तो बहुत फायदा होता है, आपके अकाउंट से नहीं क्रेडिट कार्ड से कटेंगे यूपीआई में, आप आराम से किसी को भी यूपीआई से रुपए भेज सकते हैं। हाँ बिल्कुल, बहुत फायदा है। अब देखो लेकिन ना एक बात है, कुछ के पास इशू होगा, क्योंकि आपको पता है भारत में ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं वो एक तनखा पर्ची सैलरी स्लिप कहते हैं जैसे, वो नहीं देती सरकारी, क्योंकि देखो क्रेडिट कार्ड के लिए जब आप ऑनलाइन अपनी दरखास्त डालते हो, वैसे दरखास्त की बात आई है तो हम अपनी बताते हैं, मतलब ऑनलाइन अप्लाई करने का दरखास्त। हमारा तो देखो, मैं क्रेडिट कार्ड के बारे में आपको बता रहा हूं, तो हम क्रेडिट कार्ड हमारा टाइप है बैंक के साथ, तो हम क्रेडिट कार्ड हमारे पास से आप अप्लाई करेंगे तो आपको बेनिफिट होता है, आपको बहुत फायदा हुआ है ना। हाँ बहुत फायदा, आपको 500 से 1000 रुपए तक कुछ भी आपको मतलब क्रेडिट कार्ड बनवाने का ही मिलेगा। हाँ, एक तो हम आपको लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड देंगे। हाँ, और साथ में 500 रुपए मुफ्त, 500 से 1000 कुछ भी आपको मिलेगा। हाँ, ही मिलेगा, क्रेडिट कार्ड पे डिफर करता है। हाँ, कौन सा क्रेडिट कार्ड आप बनवा रहे हैं। लेकिन अब हम कह रहे थे भाई क्रेडिट कार्ड बनवाए कैसे, बनवा रहे हैं ना, मान लो हम तो ये मान के चलेंगे भाई हरे कोई बनवाएगा। अब क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिए सबसे पहले क्या करना होता है, करना क्या होता है वो छोड़िए, वो तो आपको पता है, पैन कार्ड आधार कार्ड से केवाईसी होती है, केवाईसी का मीन्स है नो योर कस्टमर, कि अपने कस्टमर को जानना, बैंक अपने कस्टमर को जानता है उसके सरकारी दस्तावेज से। अब लोग क्या करते हैं, बहुत लोग आजकल इसमें फ्रॉड भी करते हैं, धोखाधड़ी करते हैं, ऑनलाइन फोन करते हैं या आपसे ले जाएंगे दस्तावेज, ले जाएंगे आपका क्रेडिट स्कोर तो चेक होता ही है इसमें, ठीक है, वो क्रेडिट स्कोर चेक मार देंगे और वैसे तो आपके दस्तावेज से वो कुछ भी कर सकते हैं लिटरली, क्योंकि उनके पास दस्तावेज पहुंच गए वो कुछ भी धोखाधड़ी कर सकते हैं। अब आप किसी को अपना फोन पे अगर आप करवाते हैं किसी और से, तो आपसे क्या लेता है, पैन कार्ड नंबर, आपकी क्रेडिट स्कोर में एंट्री गई, और वो तो कोई बात नहीं, क्रेडिट कार्ड आपको जब चाहिए ही वहां पे आपके
एंट्री भी चल जाए, कोई दिक्कत नहीं है, वहां पे आपका नाम भी लिखा जाएगा कि आपने क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई, आपका ई पे दस्तावेज दिए, अप्लाई किया। लेकिन वो क्या करते हैं ना, वो अपने पास पैन कार्ड नंबर लिख के भी रख लेते हैं, तो वो उससे जो होता है धोखाधड़ी का बहुत ज्यादा धोखाधड़ी होती है। तो हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे लिंक, हम आपको लिंक प्रोवाइड करते हैं कि आप अप्लाई कर रहे हैं, आपको पता है कि आप सेल्फ केवाईसी, क्यों सेल्फ केवाईसी करते हैं आप, वो ताकि आप सीधा बैंक को दे रहे हो, जो दे रहे हो आप बैंक को दे रहे हो, राइट। हाँ, आप बस हमारा सिर्फ लिंक यूज कर रहे हो, पार्टनर लिंक। हाँ, इससे क्या हो रहा है, सेल्फ केवाईसी से फ्रॉड प्रिवेंशन हो रहा है, फ्रॉड को बचा रहे हैं हम यहाँ पे, धोखाधड़ी होने से बचा रहे हैं, आपके साथ कोई धोखाधड़ी होने का सुरक्षित, धोखाधड़ी से सुरक्षित है, धोखाधड़ी होने का कोई चांस नहीं, कोई भी ऐसा नहीं है कि आपके साथ धोखाधड़ी हो सकेगी, क्योंकि आप खुद हर एक चीज आपके पास लिखित में होगी कि अगर वहां पे लिखा है लाइफ टाइम फ्री, ये हमेशा के लिए फ्री है, हमेशा के लिए मुफ्त है, आपको क्रेडिट कार्ड का कुछ नहीं पे कर देना, बस आपको लाभ उठाना है। हाँ, अगर आपको फिर भी कभी भी कोई दिक्कत आती है ना, अगर आपने हमसे क्रेडिट कार्ड बनवाया तो हम बैठे हैं ना यहाँ पे, बैठे कार्ड देंगे आपकी पूरी सहायता होगी, सब कुछ आपका मुसीबत को मिटा देंगे, है ना। क्रेडिट कार्ड में फायदा ही फायदा है, अगर अभी भी किसी को लगता है कि भाई क्रेडिट कार्ड में कोई दिक्कत है तो हमसे बात कर सकते हैं, बता देंगे भाई क्रेडिट कार्ड के बारे में। बाकी बात चल रही थी तनख्वाह पर्ची की, सैलरी स्लिप की, अब गवर्नमेंट जो सरकारी दफ्तर में काम करते हैं उनको तो देखो मिलती है, बहुत सारी कंपनियां अपने एम्प्लॉयज को नहीं देती, अपने कर्मचारियों को नहीं देती सैलरी स्लिप, बहुत सारी कंपनी भारत में आपने भी ऐसी देखी है। और एक होती कंसल्टेंट पोजीशन, जिसमें आप कर्मचारी नहीं हो, यू आर नॉट एम्प्लॉय, आप तो कंसल्ट कर, आप तो बस क्या कहते हैं, कंसल्ट क्या, उसको मदद कर रहे हो, एक तरह से मदद होता है कंसल्ट, तो आपको वो सैलरी स्लिप देने के लिए बाध्य नहीं है, आपको तनख्वाह पर्ची देने के लिए बाध्य नहीं, वो नहीं देते सैलरी स्लिप, तो फिर आप क्रेडिट कार्ड कैसे बनाएंगे, क्योंकि क्रेडिट कार्ड के लिए तो चाहिए होती है। अब बता दे लोगों को, उसके लिए भी ना हमने आपके लिए एक, उसके लिए भी हमारे पास दूसरा तरीका है, हम आपको अगर आपके पास नहीं भी है ना सैलरी स्लिप तो भी हमारे पास तरीका है, आपने उसके लिए भी निकाल रखा है, जैसे आपके पास नहीं है सैलरी, हम बस से बात कीजिए, हम आपका उसका भी निवारण कर देंगे, निवारण कर देंगे, हमारे पास है, हमने पहले से निवारण सोच के रखा है, हमने तैयार करके रखा है। ऐसा भी एक चीज और होती है, लोगों को पता नहीं होता, लोग कंपनी में काम कर रहे हैं, वो कंपनी रजिस्टर्ड भी नहीं होती, सरकार में होती नहीं है नाम, अब जिस कंपनी का सरकार में नाम भी नहीं है तो उसको क्रेडिट कार्ड कहां से मिलेगा, लेकिन उसका भी निवारण है हमारे पास, है ना। वो आप वीडियो में नहीं बताएंगे, वो आप हमसे, आप हमसे खुद या तो व्हाट्सएप पे या तो फिर SMS या फिर मैसेज कीजिए, हमें कॉल कीजिए या तो ईमेल कीजिए, तभी हम आपको बताएंगे, ऐसा नहीं बताएंगे, है ना, क्योंकि ये तो गुप्त है, सीक्रेट है, सीक्रेट गुप्त ही रहेगा। एक बात और, क्रेडिट कार्ड की जो आपने नहीं बताई, क्रेडिट कार्ड में जो लोग घूमना बहुत, जिनको पसंद है, बहुत लोग घूमते हैं एयरपोर्ट पे, है ना। हाँ, तो उन्हें एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस मिलता है। हाँ, क्रेडिट कार्ड पे, हर क्रेडिट कार्ड पे आपको एयरपोर्ट लॉन्च मिलता ही मिलता है, कि एयरपोर्ट पे जाके आप एक रुपया कटेगा तो एक रुपया लगेगा आपका, और आप खाइए पिए, है ना, आराम कीजिए जब तक आपका फ्लाइट आती नहीं है, है ना। और होटल में भी आपको स्पेशल ज्यादा फायदा मिलता है ना, वहां पे भी होता है, और मूवी टिकट्स वगैरह ये सब चीजें बहुत मिलती है, शॉपिंग में तो मैंने आपको बताया ही है, बहुत ज्यादा फायदा है, क्योंकि जीवन तो सबको जीना है, शॉपिंग का तो सबसे पहले होता है। अब आपको इस पे कहीं पे आप खाना खाने जाते हैं होटल में, एक रेस्टोरेंट में ज्यादा डिस्काउंट मिलता है वहां पे, तो हम बताए नहीं, हमने कितना मिलता है, 30-40% मिलता है डिस्काउंट, कैशबैक हमें इतना इतना मिल जाता है, डिस्काउंट मिल जाता है, सबसे ज्यादा अच्छी बात है। जैसे इजी डाइनर पे, ऑनलाइन परचेस पे भी मिल जाता है,
हमने तो अभी बात करी कि भाई कहीं पे जाके खा रहे हैं होटल वगैरह में, अगर ऑनलाइन भी इजी डाइनर वगैरह से मंगाते हैं या आप स्विगी वगैरह से मंगाते हैं, सबका है ना, जोमेटो वगैरह सबका बहुत फायदा होता है। अब कुछ व्यापारी लोग होते हैं, बिजनेस वाले होते हैं जैसे हम, नहीं हम तो खैर बिजनेस भी करते हैं और हम तो नौकरी भी करते हैं कंपनी में, वी आर बहुत एम्प्लॉयज हैं, बिजनेस मैन राइट। तो बिजनेस मैन के लिए अलग क्रेडिट कार्ड भी होता है, उसमें भी बिजनेस के हिसाब से फायदे होते हैं। हाँ तो कहने की बात यह है कि आपकी जो भी जरूरत है ना उसके हिसाब से अलग क्रेडिट कार्ड है, आप हमारी वेबसाइट पे देख सकते हैं, है ना, आपको सारे के सारे मिलेंगे। देखो लिखित में इसलिए देते हैं क्योंकि ये फ्रॉड प्रिवेंशन तो ही है, फ्रॉड को किसी धोखेधड़ी को बचाना, लेकिन ये हमारा हमारी तरफ से ही है ना, आधुनिक सेल्फ केवाईसी कि जो भी अप्लाई करना चाहता है, जो भी बनवाना चाहता है क्रेडिट कार्ड, वो खुद अप्लाई करेगा वेबसाइट पे जाके, खुद केवाईसी करेगा क्योंकि मैंने फ्रॉड बचाना है। हमने स्पेशली दरखास्त की थी बैंक से, बैंकों से दरखास्त करी है, पार्टनरशिप ऐसे करी है रिक्वेस्ट करके, तो ऐसे ही लिंक्स है ताकि वो कोई भी है खुद केवाईसी कर रहा है और सब कुछ उसके सामने लिखा हुआ है, रिटर्न में है, क्योंकि लोग तो फोन पे क्या करते हैं, बताते हैं बस जी क्रेडिट कार्ड आपको लाइफ टाइम फ्री मिलेगा, ये जो क्रेडिट कार्ड लाइफ टाइम फ्री होता ही नहीं है, जो कभी देती ही नहीं है, जैसे HDFC वाले सबसे ज्यादा करते हैं, बोलते हैं कहीं लाइफ टाइम फ्री, फोन पे बोल रहे हैं, फोन पे कॉल किया सामने आके भी बोलते हैं लाइफ टाइम फ्री, कहीं नहीं लिखा हुआ, वो कह देंगे कि लाइफ टाइम फ्री है, आपको लाइफ टाइम फ्री मिल जाएगा और फिर चार्ज काट लेंगे। लेकिन जब आपके पास क्रेडिट कार्ड आएगा उसमें लिखा होगा सालाना फीस इतनी है, सालाना आपको इतना देना ही देना पड़ेगा, एनुअल फीस जिसे कहते हैं। अरे भाई लेकिन हमारे पास तो ये चीज हो ही नहीं सकती है, ये फ्रॉड प्रिवेंशन, आप ही अप्लाई कर रहे हैं क्योंकि वहां पे सामने लिखा है आपके, और आपको अप्लाई जब करते हैं उसके बाद आपको रिटर्न में लिखित में मेल में भी आता है, आपको वही चीज मिलती भी है। एक बात तो भूल ही गए हम कहना, अरे हमने सब कुछ बता दिया क्रेडिट कार्ड के बारे में, ये तो भूल ही गए कि किसी को अगर अप्लाई करना है, किसी को अगर दरख्वास्त देनी है तो कैसे करेगा, हमारी वेबसाइट पे जाएगा तो बताना तो पड़ेगा ना, सुनाई दे रहा ना आपसे कह रहे हैं। अगर आपको दरखास्त देनी है क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करना है तो आज ही हमारी वेबसाइट को खोले और जाइए अप्लाई करें, वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हाँ अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप हमें कभी भी संपर्क कर सकते हैं, या तो व्हाट्सएप से, या तो मैसेज से, या तो फोन कॉल से। फोन कॉल मैं मना करूंगा क्योंकि हो सकता है हम उस समय व्यस्त हो और हम भी फोन कॉल तभी करेंगे आपको, आप हमें मैसेज छोड़ दे कोई भी या व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ दे तो हम आपको मैसेज करेंगे, फिर आप जैसे ठीक लगेगा उस समय बात करेंगे, हम आपकी पूरी सहायता करेंगे। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, वो भी आपको मिल जाएगा, खत भी लिख सकते हैं, हाँ खत भी लिख सकते हैं, टेलीग्राम पे भी बात कर सकते हैं, स्नैपचैट पे भी कर सकते हैं, फेसबुक पे भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए सब मेरे साथ मिलकर गाइए, सभी सुखी हो सभी अमीर, सब पर बरसे पैसे ही पैसे, खुशहाल हो सबका जीवन, सब पर बरसे धन के वर्षा, बोलो धन जी महाराज की जय, सोना चांदी की जय, हीरे जवाहरात की जय, अंत में सब मेरे साथ बोलिए, क्रेडिट कार्ड जी महाराज की जय।